तकलीफ हो जाए रब को गवारा नहीं, फौरन अदब सिखाया जाता है। और एक अब आइए सातवें नंबर की आयत करीमा, इसका पस मंजर यह है कि सरकार जब मदीने में तशरीफ लाए तो ये तो मक्का के वह हालात थे कि जहां पर कुफार और मुशरिकीन थे, और मदीने में एक और तबका बढ़ गया जो मुनाफिकीन का तबका था। ये जाहिरन ईमान का दावा करते थे और अपने कुफर को दिल में छुपा के रखते थे, नबी की मजलिस में आके बैठते थे, रसूल के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, और जब देखते थे ये कि रसूलुल्लाह जंग पे जा रहे हैं और इस जंग में हुजूर को फतेह होने वाली है, तादाद अच्छी है, दुश्मन कमजोर है, तो ये जंग में भी जाते, माल गनीमत भी लेते, और जब ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह के मानने वालों की तादाद किल्लत में है, कम है, दुश्मन ज्यादा है, तो ये बहाने करके घरों में बैठ जाते। ये इस तरह की फितरत थी इन मुनाफिकीन की, मगर नबी की मजलिस में हाजिर होते थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। सरकार अपने मजलिस में जब सहाबा से खिताब करते हैं और सहाबा को कुछ तालीम फरमाते हैं और आप वाज़ो नसीहत फरमाते हैं, तो कुछ जुमले हुजूर के ऐसे सरदर्द ज़बान अक़दस से जाहिर होते थे जो सहाबा के फहम से बालातर होते थे, यानी सहाबा इकराम उसको समझ नहीं पाते थे। हुजूर की फसाहत और बलागत इतनी आला थी कि वो जुमलों के मफहूम को नहीं समझ पाते थे। तो सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अल्लाह के रसूल, देखिए सहाबा का अदब देखिए, वो यूं नहीं कहते थे अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आया, आपने पल्ले नहीं पड़ा कुछ, हमारे बोल रहे थे ना अरे क्या मौलाना क्या बोल रहे यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा अपने, नहीं सहाबा का अदब देखे राइना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हम पे रियायत कीजिए, कुछ रहम कीजिए हम पे, ये बात समझ में नहीं आ रही है सरकार, रियायत कीजिए हमारे, हमारी हालत तो देखिए कि वो बात हम समझने लायक है या भी नहीं, कहाँ आपका कलाम में बलागत और कहाँ हम जैसे कम आपके मुकाबले में समझ रखने वाले, रियायत कीजिए हमारी। तो मुनाफिक क्या करते थे, उस कलमे को खींच के पढ़ते थे, और जब वो खींच के पढ़ते थे तो उनकी लुगत में उनकी जबान में उसका मफहूम कुछ और हो जाता था और वो बेअदबी वाला मफहूम बनता था, वो कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, कभी कहते राइना या मोहम्मद, अब मफहूम क्या होता, ऐ हमारे भेड़ों को चराने वाले, ऐ मोहम्मद हमारी भेड़ों को चराने वाले, माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ओमन साहबा उनकी जबान को नहीं समझते थे, सात बिन इबादा या सात बिन मौज है गालिबन, ये साहबी रसूल है, ये यहूदियों की जबान खूब जानते थे। एक मरतबा इत्तेफाक से ये ताखीर से आए तो मुनाफिक पीछे बैठते थे, सामने नहीं बैठते थे, पीछे रसूलुल्लाह की तकरीरों की नकल उड़ाते, हुजूर के वास का मजाक उड़ाते, वो लेट आए तो पीछे बैठ गए, सरकार की तकरीर चल रही है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे कि ऐसा एक मौका आया कि साहबा ने कहा राइना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल रियायत किए थे, उन्होंने भी खींच के कहा राइना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद हमारे भेड़ों को चराने वाले, माज़ल्लाह नौज़बिल्लाह मिन सालिक। हजरत साद ने जैसे सुना तलवार निकाल ली, ये साहबा का माहौल होता था, इश्क होता था, वो भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ये याद रखिए ये हिजड़ों की बोली होती है, कोई कुछ भी बोले अल्लाह साहब देखेंगे अपने को क्या करना है, ये मुसलमान की बोली नहीं हिजड़ों की बोली है, मुसलमान की ये बोली है कि अगर कोई मेरे आका को कुछ बोले तो बेटा है तो अभी गिराता हूं, बाप है तो अभी पटकता हूं, नबी की शान में बिल्कुल नहीं चलता, अपने को क्या करना अल्लाह साहब देखेंगे। अरे जब नबी के जमाने में सहाबा ने ये नहीं देखा कि अल्लाह रसूल देखेंगे तो अभी तो न सहाबा का जमाना है न रसूलुल्लाह बज़ाहिर तशरीफ फरमाए हमारे दरमियान, तो जब उस जमाने में ये ना हुआ, जबकि वो ऐसे लोग थे सहाबा की जमात हो या रसूलुल्लाह, तो रसूल तो बहुत बड़ी जात है, सहाबा भी ऐसे थे कि अगर वो दुआ कर देते मौला तेरे हबीब की गुस्ताखी की अजाब भेज दे तो फौरन अजाब आ जाए, मगर उन्होंने भी दुआओं के सहारे नहीं लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो साद ने तलवार निकाली, कहा बदबख्तो नबी की तौहीन करते हो, तुम्हारी गर्दनों को तन से जुदा कर दूंगा। तो उन्होंने कस्में खाने शुरू कर दी जैसे कि इनकी आदत होती है, कहा अरे हम भी तो वही कहते हैं जो तुम कहते हो, हमने क्या कैसा कह दिया। कहा मर्दूदो मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी जबान, तुम्हारी जबान में ये लफ्ज़ गुस्ताखी के लिए बोला जाता है। उन्होंने कस्में खाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हुई पारा एक सूरह बकरा आयत 104 इरशाद रब्बानी हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूलू राइना वकूलू ज़ुर्ना वस्माऊ। अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, अब आज से तुम राइना ना कहा करो बल्कि ये कहो उन्ज़ुर्ना, यानी ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजरे करम फरमाइए। उससे बेहतर जुमला दिया,
और उसके बाद फरमाया वस्माऊ, पहले से ही गौर से सुनो, पहले से ही समझ के साथ सुनो, ताकि तुम्हें बोलने की नौबत ही ना आए कि अल्लाह के नबी दोबारा सुनाइए या आसान करके समझाइए। वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम, और अल्लाह ने फरमाया कि महबूब जो गुस्ताखी के तौर पर राइना कहते हैं ये तो काफिर है, और इन काफिरों के लिए सख्त अजाब है, अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो यहां कुरान ने बता दिया कि हबीब की तौहीन करने वाला काफिर होता है और उसके लिए अजाब होता है। तो अगर हम गुस्ताखे रसूल को काफिर कहते हैं तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते जनाब, ये तो कुरान के फैसले है कि अदना सी गुस्ताखी करने वाला भी काफिर है।